इस वीडियो में ये बर्थडे कार्ड बनाए हैं, तो यही बर्थडे कार्ड बना देंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्त, मैं 29, आप देख रहे हैं 29 टेकग्राफ। तो अब हम आ गए हैं कोरल में। तो मैटर सब लिए आए हैं, जो कि मैटर मेरे पास ये है, इसके थ्रू हम एक बनाएंगे, जो कि मैटर आपको टाइम कम लगे, इसीलिए हम पहले से कलेक्शन करके व्यवस्था करके उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत होते हैं सर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीका का मैटर है। तो हम पहले तो कि एक ग्राउंड ले लेते हैं। तो ग्राउंड लेने के लिए हम 5.5 और 8.5 का ले लिए हैं, जो ये साइज में अगर आप डिजाइन बनाते हैं उसके बाद आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे। उसके अलावा आप इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आराम से, काफ़ी मतलब कि ये कुछ दाबने या कुछ करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, न कटेगा, ये आराम से इससे प्रिंट भी निकल जाता। तो इसी ले करके ये मेरा एग्जैक्ट साइज रहता है कि काफ़ी प्रिंट करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ का मेरे पास यही रहता है कि क्या साइज रहेगा। तो इसीलिए हम अपना परफेक्ट साइज में ही बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो अल्टर साइज ले लेते हैं कभी, मतलब जो ये क्या बोलता है कोरल में जो A4 आता है वो ले लेते हैं, उसमें डिजाइन बनाते हैं, जो कि प्रिंटिंग का डिजाइनिंग प्रिंटिंग का जो कि साइज अलग होता है, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। चलिए चलते हैं अपना काम की ओर। तो ये मेरे पास एक पेंट का एक ग्राउंड लाए हैं, तो इसका हम पकड़ के साइज वहीं कर लेंगे अपना, जो सबको करते हैं। तो इस तरीका से हम कर लिए हैं, तो कुछ अपने पास कुछ इस तरीका से ये नज़र आ रहा है। तो हम इसमें कुछ करेंगे फिर बदल, उसके साथ करेंगे थोड़ा सा गेम और ये अपना बन के होगा तैयार। तो ये कुछ इस तरीका से है। तो पहला मेरा ये कहना है कि ये मेरे पास कुछ इस तरीका का ये मैटर है, तो इसे हम यहाँ से करेंगे। ये अपना करने वाले हैं वाइट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसे उठा के यहाँ से ले चलेंगे, यहाँ अपना रखेंगे। तो ये अपने पास कुछ इस तरीका का है। तो अब हमें ये जो है ग्राउंड को, ये JPG मैटर है, ओके। तो इस ग्राउंड को हमको लेना है, जो कि इसमें हम कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको जैसे ये JPG है, तो इसको हम ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे ट्रेस बिट मैप में, जाने के बाद यहाँ पर नीचे आउटलाइन ट्रेस पे जाना है, यहाँ लाइन आर्ट पे जाना है, उसके बाद ओके कर देना। तो ये कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रहा। उसके बाद ये आपका कुछ छोटा मोटा कुछ इस तरीका से हो जाएगा के बाद, जैसे कि ये मतलब पहले का ऐसा है, ये होने के बाद ये कुछ इस तरीका का रहेगा। तो आपको यहाँ से कर देना है ओके। उसके बाद हम ये आप इस तरीका से ये पकड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका शो करेगा, और इसे हम करेंगे डिलीट। तो अपने पास ये आ गया, हमें सिर्फ इसी का काम है। तो इसे अगर आप चाहें तो अनग्रुप करके इसे कुछ इस तरीका से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये कोई काम का नहीं है तो इसको हम भी करेंगे डिलीट। आइए इस तरीका से इसको हम उठा के यहाँ ले आए। अब हम इसको करेंगे सेंटर और इसमें हम डालेंगे वाइट। तो ये अपने पास कुछ इस तरीका से ये आ गई। और हम एक काम और करेंगे इसी में, इसके साथ हम इसे एक अटैच करेंगे। तो इसको भी हमें उसी वहीं जाना है, ट्रेस बिटमैप में, आउटलाइन में, लाइन आर्ट में, फिर ये भी कुछ टाइम लेगा, कुछ ये कुछ इस तरीका से आएगा। तो इसे हम उठा के इधर करेंगे, इसे यहाँ से डिलीट करेंगे, और ये भाई साहब भी कुछ इस तरीका से यहाँ बन गए हैं। तो आप ये दोनों को देख सकते हैं, दो मैटर है, ठीक है ना। तो आप इसको ग्रुप करके पे इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं कुछ इस तरीका से घुमा के। तो पहले हम यहाँ ये रखेंगे, तो पहले BT इस तरीका से कर लेते हैं, ये घूम गया है, इसे हम यहाँ से रहने देते हैं। और एक अपना ये है, इसे हम इधर से घुमा लेंगे, इसे हम यहाँ से और V करेंगे। तो ये अपने पास कुछ इस तरीका से हो गया, इसे भी हम यहाँ से करेंगे भाई। तो ये अपना कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर इसमें और अगर कोई दूसरा कलर डालना चाहते हैं तो ये इस तरीका से आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं। सेम इसे भी हम वही कलर डालेंगे, और अगर चाहें तो इसमें आप आउटलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे, अगर आप करना चाहें तो। अगर ये आप दिखाना चाहते हैं तो इसे आउटलाइन दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी दे सकते हैं, ओके। तो हम इसे नहीं देंगे क्योंकि इसका कोई ज़रूरत है नहीं फिलहाल, इसे हम कुछ इस तरीका से रखेंगे। और अपने पास ये मैटर यहाँ पे है, जो इसे हम यहाँ यूज करने वाले
वाले हैं, तो हम इसे करेंगे कुछ इस तरीका से। इसे हम सिलेक्ट करके और मतलब कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल ई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर ले लेता है, जो कि हमको यहाँ जाके टेक्स्ट को सेंटर नहीं करना पड़ता। जैसे कि ये जो है ना, ये सब शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि ये आप लॉन्ग नहीं जाते हैं, आप ज़्यादातर शॉर्ट यूज कर लेते हैं। ये बताने का क्या तरीका है, जो कि एक भाई साहब हमें कमेंट करके ये चीज़ बोल रहे थे। तो एक्चुअली होता क्या है कि भैया आदत पड़ा हुआ है ना, तो ये सब चीज़ हमें मतलब कि कम समय में ज़्यादा करने का, तो ये सब चीज़ थोड़ा कभी कभी मतलब कि क्या बोले मतलब कि वही हो जाता है, जो मतलब आदत भूलना, जो मतलब जो कहते हैं ना कि भूला कर, तो समझिए कि भूला कर ही है, कि मतलब ध्यान नहीं रहता वो करते करते मतलब कि वो अपना सुर में हो जाता है, उसी तरीका से जो अपना मतलब कि ऑफलाइन में जो काम करते हैं उस तरीका से। और सोचते नहीं है कि नहीं भाई, ये किन्हिया और के लिए भी हम सेवा दे रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से उतर जाता है। तो अब हम यहाँ पे एक ये फॉन्ट हम सिलेक्ट करते हैं, ओके। अब एक फॉन्ट और हम कोई बढ़िया देखेंगे, ये हमें ना से हाँ में इसको हम रखेंगे, बाकी एक और हमें अगर ये जो बीच का जो एथी है गैप है, अगर उसको आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेप टूल ले लेना है, उससे ये बीच का दूरी आप इस तरीका से कम कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये सिर्फ एक को करना है तो आप इस तरीका से भी सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ से सिलेक्ट करिएगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद आप ऊपर नीचे करके कर सकते। तो ये इससे क्या होगा ना कि ये मेरा जगह कुछ इस तरीका से ये मिल जाएगा। प्लस कर लेते हैं, उसके अंदर में एक आउटलाइन डालेंगे, जो कि आउटलाइन होगा कुछ ज़्यादा मोटा। अब हम उसे करेंगे करना, तो ये कुछ हम इस तरीका से इसको हम चाह रहे हैं, जो कि और इसे हम करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये अपना कुछ इस तरीका से आ गया। इसमें हम करेंगे कलर फिल, ये इसको करना चाह रहे हैं चॉकलेटी कलर, ठीक है ना, जो केक का कलर आता है ना, उस तरीका से हम इसको करना चाह रहे हैं। तो इसे हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, 12 करते हैं। इसे हम प्लस करेंगे तो हम नीचे वाला के धरेंगे, उसको हम करेंगे थोड़ा ग्रे, और ये हम करेंगे थोड़ा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीका से ये आ रहा है अपना, ओके। और हम इसे यहाँ पे उसी तरीका से सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर हो गया है। हम इसे यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, हम करेंगे डिलीट। तो ये अपना कुछ इस तरीका से आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है ये नहीं जना रहा, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेंगे अपना बोल्ड या इस तरीका से ब्लैक। तो ये अपना कार्ड बन के तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं।